स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अभिषेक द फिटनेस जोन में। तो हम आ गए हैं आपके साथ एक नया वीडियो शेयर करने। हमारा प्रीवियस वीडियो था UPSI से रिलेटेड, जो कि UPSI फिटनेस टेस्ट होना है, तो उसमें आपकी काफ़ी क्वेरीज आ रही थी। उसी से रिलेटेड एक ये वीडियो है जो कि आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। और जो इस वीडियो से नए जुड़ रहे हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, वो चैनल को हमें सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो आप तक वो पहुँचे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आपकी कुछ कॉमन क्वेरीज थी जिनको मैंने नोट कर लिया है। सभी कमेंट्स को मैंने पढ़े थे, उसमें कुछ कॉमन थे कि सबको शूज़ का इशू आ रहा था, और जैसे फीमेल्स हैं तो उनमें ये था कि बॉडी पेन बहुत हो रहा है और शीन पेन काफ़ी हो रहा है, जल्दी थक जा रहे हैं। और कुछ का था कि लिमिटेड टाइम में डिस्टेंस नहीं कवर हो रही है। तो उन सब के बारे में भी बात करेंगे, जो भी पॉइंट्स रह गए थे उन सबको इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे, जिससे आपको कम टाइम में अच्छी चीज़ें पता चल जाए। UPSI का रिजल्ट में भी जनवरी फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में आ जाए प्रॉबली, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आपके पास इतना ही टाइम है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा कट ऑफ के चक्कर में मत पड़िए और तरह तरह की वीडियोज़ मत देखिए कि कितना कट ऑफ रहेगा। आप अपनी रनिंग करिए, क्योंकि अगर रिजल्ट आपका आ गया तो आप उतनी जल्दी रनिंग प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। और अगर आप रनिंग कर रहे हैं, मेबी रिजल्ट आता है या नहीं आता है, तो आपकी रनिंग वेस्ट नहीं होगी, वो आपके काम ही आएगी। तो चलिए हम आपके कमेंट्स को भी लेंगे और हम पॉइंट वाइज पॉइंट आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका बॉडी पेन और शीन पेन हो रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। शीन पेन आपका इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका इशू है कि आप ग्राउंड में दौड़ रहे हैं या फिर हार्ड सरफेस पर दौड़ रहे हैं, लाइक रोड पर। जैसे आप रोड की तरफ दिखा दीजिए, ये हमारा रोड है, इस पे अगर आप दौड़ेंगे तो आपको सीन पेन होगा। आप में अगर आदत नहीं है, आप बिल्कुल नई शुरुआत कर रहे हैं रनिंग की, तो आपको सीन पेन होगा। लेकिन आप इस तरह के अगर ग्राउंड में दौड़ रहे हैं और आप थोड़ा सा अच्छा शूज़ पहन रहे हैं, आपकी फुट लैंडिंग सही है, तो आपको सीन पेन नहीं होगा। अगर आपको सीन पेन होता भी है तो हम इसमें कुछ तरीके बताएंगे जिससे आपको रिलैक्स मिलेगा। पहले जान लीजिए क्यों होता है, आपकी गलत फुट लैंडिंग की वजह से। कभी कभी होता क्या है, इधर दिखाना, जब आपका फुट, अगर आप हील्स के थ्रू लैंड करा रहे हैं अपने फुट को हील्स पे, तो आप पे जर्क आएगा, तो इससे भी सीन पेन होता है। या फिर आप टो पे ज़्यादा रनिंग कर रहे हैं तो। और होता क्या है, सेकंड पॉइंट, जब आप रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आपने कभी रनिंग नहीं की है, आपने हाल ही में स्टार्ट किया और आप पहले ही दिन भागना स्टार्ट कर दिए काफ़ी तेज़ी से, कि मुझे मतलब काफ़ी एनर्जी फील होती है और आप तेज़ी से रेस करने लगे, तो आपको सीन पेन हो सकता है। इसलिए आप देख लीजिए, फुट आप अपना फ्लैट लैंड कराइए, कुछ इस तरह से लैंड कराइए। ये फुट है, ये फुट आपका इस तरह से आएगा, इस तरह से ये फुट यहाँ पर रखेंगे तो आपको अच्छा सा बैलेंस मिलेगा और आपका सीन पेन नहीं होगा। और अगर होता है तो आप समझ लीजिए आपको क्या करना है। अगर सीन पेन हो रहा है तो आप कुछ ना करिए, आप अच्छे से उस पर आइसिंग करिए, आप बर्फ़ से सिकाई करिए, और या फिर आपके पास गर्म पट्टी हो तो वॉलनी या फिर आयोडेक्स उसमें लगाकर गर्म पट्टी बांधें, इससे आपको काफ़ी रिलैक्स होगा। और सबसे पहली बात, आप रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो कम से कम 6 से 7 दिन या फिर 10 दिन आप सिर्फ वॉक करिए, आप 3 से 4 किलोमीटर वॉक करिए। आपको रनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ना कि आप टाइम पे ध्यान दीजिए कि अरे मेरा टाइम नहीं आ रहा है। आप सिर्फ वॉक करिए, आपके पैरों को हैबिट हो जाएगी। जब आपके पैर अच्छे से एक्टिवेट हो जाएंगे, उन्हें आदत हो जाएगी, तो इतना आपको इफेक्ट नहीं होगा। जैसे कुछ गर्ल्स के कॉमेंट्स थे कि आप स्पेशली गर्ल्स के लिए वीडियो बनाइए, तो ये वीडियो उनके लिए भी है। और इसमें कुछ हम ज़्यादातर चीज़ें सेम ही हैं, लेकिन इसमें हम कुछ लड़कों का कमेंट्स था कि चेस्ट का इशू आ रहा है, तो हम दोनों को कंबाइन करके बात कर रहे हैं। इसको फीमेल्स भी अच्छे से देख सकते हैं, वीडियो सारी यहाँ पे चीज़ें कवर की जा रही हैं। अब चलिए हम ले लेते हैं आपके कमेंट्स जो थे, उसके अकॉर्डिंग आपको बताते हैं। ये यहाँ पे कमेंट आ रहा है कोमल मलिक, भाई किसी और वीडियो में सीन पेन का भी कुछ सोल्यूशन शेयर करना प्लीज़। तो यहाँ पे सीन पेन के बारे में तो अपने आपको मैंने बता दिया है, अभी शायद आपको कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप अपने पहले वॉक से स्टार्ट करिए रनिंग को, कुछ दिन तक वॉकिंग करिए, उसके बाद धीरे धीरे आप अपनी रनिंग को बढ़ाइए। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं, भाई गर्ल्स के लिए कुछ स्पेशल बता दो, सांस फूल रही है पैरों में, बहुत दर्द है। सांस क्यों फूल रही है, सांस भी कुछ उसका आपका इशू आ रहा होगा। देखिए आप कोशिश करिए डस्ट वगैरह में मत दौड़िए, और सांस आप नाक से लेकर मुंह से छोड़िए। और अगर आप जहाँ पे आपकी सांसें फूल रही हैं वहाँ पे आप कोशिश करिए एक दो लंबी सांस लेकर छोड़िए। और ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा मुँह को बंद ही रखें, मुँह खोल के भी दौड़ सकते हैं आप अपने रिलीफ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट कॉमेंट लेते हैं हम, कुमारी आरती कह रही हैं 16 मिनट में 2000 मीटर ही हो पा रही है। कोई बात नहीं, 16 मिनट में 2000 ही हो पा रही, कोई बात नहीं, अभी टाइम है, अभी कल आपकी रेस नहीं है, अभी आप कंटिन्यू करिए, अभी आप टाइम मत देखिए। आप वीक में 6 दिन आराम से आप लंबा रन लीजिए बिना टाइम को देखे हुए,
आप सातवें दिन संडे को या फिर जिस भी दिन आप चूज़ कर लीजिए, उस दिन आप अपनी पेस को बढ़ाकर अपनी टाइमिंग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है श्वेता चौहान, सर 17 मिनट में 2400 ही कर पाती हूँ, वो भी बीच में रुक जाती हूँ, स्पीड नहीं आ रही है, सांस फूल रही है। कोई बात नहीं, आप लोग टाइम क्यों देख रहे हैं, आप लोग अभी टाइम मत देखिए, अपनी डिस्टेंस कवर करिए। वहाँ पर रनिंग होती है, वहाँ पर बहुत से लोग होते हैं, अपना लैप तो सभी पूरा करते हैं, सबका टाइम अलग होता है। पहले आप अपना लैप पूरा करिए, आप 2400 मीटर जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं वो अपने पहले 2400 मीटर को पूरा करें। जब 2400 मीटर अच्छे से आ जाए उसके बाद अपनी पेस को बढ़ाना स्टार्ट करें, एक पेस में दौड़ें। ये अभी आप बिल्कुल टाइम देखकर परेशान ना हो। नेक्स्ट कमेंट है नवनीत कुमार सिंह, भाई जूतों का बता दें 12000 के अंदर कौन से जूते बेस्ट हैं 5 किलोमीटर UPSI की दौड़ के लिए। भाई 12000 के कोई ज़रूरी नहीं है, जूते आप 500-600 की रेंज में भी ले सकते हैं, आपको बहुत अच्छा जूता पहनने मतलब बहुत ज़्यादा रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। 500-600 की रेंज में भी सेगा वगैरह के जूते आते हैं, आप स्पार्क्स के ले सकते हैं। मेन चीज़ होता है आपका साइज़ कम्फर्ट होना चाहिए, आपका साइज़ अच्छा हो, आप वहाँ पर पहन के देख लें और कुछ दिन अच्छे से वॉक करें, वो शूज़ आप अपने लिए लें। शूज़ के लिए इतना परेशान मत हो, अच्छा सोल हो और नॉर्मल आपका साइज़ हो, आप उसको चल के देखें अच्छे से दुकान पर पहनकर, आपके लिए बेस्ट है। फीमेल्स का जो भी इशू आ रहा है टाइमिंग का और डिस्टेंस का, उनके लिए ये है कि देखिए आप पहले ही दिन से आप 2400 मीटर नहीं भाग पाएंगे, ये तो जायज़ है। जो भी नया स्टार्ट कर रहा है दौड़ना, वो 2400 मीटर उसके लिए दौड़ना मुश्किल है काफ़ी। कोई भी कितना भी परफेक्ट रनर हो या फिर एथलेटिक हो, जैसे हमारे चैनल पे भी फिटनेस के वीडियोज़ पड़े हुए हैं जिम वगैरह के, जो भी नई नई शुरुआत करता है उसे थोड़ा टाइम लगता है बैलेंस में आने में, उसे अपना रूटीन पकड़ने में टाइम लगता है। अगर कोई बहुत अच्छा रनर है लेकिन अगर उसने गैप कर रखा है 1-2 महीने का, तो फिर उसे स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, पहले 100 मीटर फिर 400 मीटर फिर 800 मीटर इस तरह से। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, पहले अच्छे से फास्ट वॉकिंग करिए, उसमें डिस्टेंस बढ़ाइए। और देखिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जिसको भी रनिंग बहुत कठिन लग रही है बिल्कुल जायज़ है, बट इम्पॉसिबल नहीं है, ये बहुत अच्छा चांस है, अच्छी वैकेंसीज़ हैं और आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो आप बिल्कुल अच्छे से मेहनत करिए और पॉजिटिव रहिए, अपने रनिंग को करते रहिए टाइम को बिना देखे हुए, और मोटिवेटेड रहिए। कमेंट थे कि चेस्ट का इशू आ रहा है, रनिंग कर रहे हैं तो चेस्ट उनका डाउन हो रहा है। आप ध्यान रखें जितनी देर रनिंग कर रहे हैं, अगर आप आधा घंटा रनिंग कर रहे हैं तो आपको 15 से 20 मिनट वर्कआउट करना ही करना है। आप रनिंग के तुरंत बाद अच्छे से पुशअप्स लगाइए, पुशअप्स इतनी अच्छी एक्सरसाइज है, सबसे अच्छी नेचुरल वो एक्सरसाइज है चेस्ट को बिल्ड करने के लिए। चेस्ट क्या वो आपकी ओवरऑल बॉडी पे इफेक्टिव होगा, तो ध्यान रहे पुशअप्स लगाते तो सभी हैं लेकिन इफेक्टिव तब होगा जब आपके चेस्ट पर प्रेशर आएगा। नॉर्मली हम पुशअप्स लगाते हैं तो उसके कुछ बेसिक्स होते हैं, आप देख लीजिए कुछ टाइप्स होते हैं, आप उस तरह से करेंगे रनिंग के जस्ट बाद, तो आपको 10 दिन में ही इफेक्ट आ जाएगा, आपका 1-2 सेंटीमीटर तो कवर होने लगेगा। देखिए हम एक्सरसाइज के बाद सबसे पहले जो पुशअप्स हम करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, नॉर्मली जो कि नॉर्मल पुशअप्स है उसकी आप अच्छे से पोस्चर देखिए क्या होगा। हमें अपने हैंड को बिल्कुल चेस्ट के पहले रखना है, चेस्ट के पास, ना कि बहुत ज़्यादा आगे और बहुत ज़्यादा पीछे, चेस्ट के पास रखेंगे बिल्कुल अच्छे से होल्ड करते हुए, जितना हो सकेगा होल्ड करके पूरा स्क्वीज करेंगे, फिर तुरंत फिर होल्ड करेंगे, पूरा स्क्वीज करेंगे, फिर तुरंत करेंगे स्क्वीज करते हुए, इस तरह से अपने रिपीट्स को बढ़ाएंगे 20 बार 25 बार, और इसके 3 टाइप अप करेंगे, आपको बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, आप अच्छे से इसको अपने लाइए रूटीन में। तो अभी ये अब दूसरा टाइप अप करने वाले हैं कुछ इस तरह से, ये हमारी हैंड ऐसे रहेंगे, इस तरह से करेंगे, इसको हमें तुरंत रनिंग के बाद करना है। चलिए एक और टाइप हम आपको बताते हैं, ये हमारा तीसरा टाइप होगा, सेम बस हमें अपोजिट डायरेक्शन में रहना होगा, हमारे इस बार हमारी बॉडी नीचे होगी पैर ऊपर की तरफ, ये कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से करना है और हमें ध्यान रहे कि अपने चेस्ट को पूरा स्क्वीज करना है अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे आपका जो चेस्ट होगा वो 5 सेंटीमीटर तक फूलना चाहिए, फूलना कंपलसरी है। तो आप अच्छे से अपने चेस्ट को पंप करें, पंप करने के लिए आपको कुछ एक्सरसाइज नॉर्मल बता दे रहे हैं, आपको अपने हाथ को अच्छे से मुट्ठी को बंद करना है अच्छे काफ़ी प्रेशर से, उसके बाद ध्यान रहे एक हाथ को आप यहाँ पर रखेंगे, दूसरे से आप इस तरह से प्रेस करेंगे सामने की तरफ, यहाँ तैयार रखा यहाँ लाए और सामने की तरफ प्रेस करेंगे, सेम ऐसे दूसरे हाथ से भी, ये आपको फील होगा। करते हैं, आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, काफ़ी यूज़फुल होगा आप सभी के लिए,
तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें जो भी UPSI की तैयारी कर रहे हैं। और जिन्हें भी पिछला वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और जो भी चीज़ें छूट रही होंगी वो हम डिस्क्रिप्शन में अच्छे से मेंशन कर देंगे, तो आप वीडियो को अच्छे से देखें और शेयर करें। और आप सभी को ऑल द बेस्ट, UPSI की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, पॉजिटिव रहिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।